क्या आप भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को कैसे हाइड कर सकते हैं, उसे कैसे छिपा सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन हैं इन सभी को आप अपने मोबाइल के फ़ोन की सेटिंग से हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे देखिए, अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को कैसे आपको हाइड करना है, उन्हें कैसे आप दोबारा एक्सेस करेंगे या फिर उन्हें कैसे आप दोबारा अनहाइड करेंगे, इसे देखने के लिए चलते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल सेटिंग को ओपन कर लेना है, और ओपन करेंगे इसके बाद नीचे चले आएंगे सबसे, और यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखते हुए आएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐप लॉक का, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। ऐप लॉक पर जैसे क्लिक करेंगे सो यहाँ आपसे बोलेगा कि आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए जो आप अपना यहाँ पर रखना चाहते हो। अगर आपने पहले से कभी से यूज नहीं किया है तो आपको नया पासवर्ड बनाने को आएगा, अगर आपने यूज किया है तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर टिक हो गए कुछ आ जाएंगे एप्लीकेशन, तो सबसे पहले इन सभी को मैं अनटिक कर देता हूँ, और यहाँ नीचे देखिए एक लॉक का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने पासवर्ड या लॉक के साथ साथ फिंगरप्रिंट लॉक भी यूज करना चाहते हैं, देन यूज पर हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो जो भी एप्लीकेशन हाइड करने हैं सिंपली उनको यहाँ पर किस तरीके से करना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए कैनवा है, सिंपली कैनवा के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और इसे हम देखिए यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, मैं इसे हाइड भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि इन एप्लीकेशन को हाइड करेंगे तो उसे एक्सेस करने के लिए एक और आपको कोड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए सेट एक्सेस पर हम कोड क्लिक करेंगे। ये अगर एप्लीकेशन को लॉक करना है तो वही कोड काम करेगा जो आपने पहले बनाया, अगर उन्हें हाइड करना है तो हाइड करने वाले एप्लीकेशन पर ये कोड बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से कोई भी अपना एक 4 अंक का कोड बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाने के लिए सिर्फ 1234 बना रखा है, और शुरू में आपको हैज और लास्ट में हैज मिलेगा, डन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पूछ रहा है इन्हें एक्सेस करने के लिए ये कोड डालना पड़ेगा, और यहाँ देखिए नीचे डन का ऑप्शन है, अभी ये देखिए ब्लू हो गया, जहाँ पर डन पर हम क्लिक करते हैं, अब ये एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो गया और लॉक भी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे मैं चेस पर क्लिक करता हूँ, इसे भी यहाँ देखिए इनेबल कर देंगे, इसे भी हम हाइड कर देंगे यहीं से। अब दोबारा आपको नहीं बनाना पड़ेगा कुछ भी कोड वोड, क्योंकि आपने एक बार पहले से बना रखा है। जैसे देखिए ये डॉक स्कैनर है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ देखिए मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी देखिए यहाँ पर मैं हाइड कर दूंगा लॉक करने के बाद। तो इस तरीके से आप जिन जिन भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, उन्हें हाइड करना चाहते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2-3 आपके सामने करके दिखा दिए हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे नीचे एप्लीकेशन, जैसे कि वीडाईक्यू मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, देखिए वीडाईक्यू को मैं ओपन करूंगा, देन इसे भी यहाँ से मैंने लॉक कर दिया, अब यहाँ से मैंने हाइड कर दिया। अब यहाँ से हम बैक आते हैं, देखिए जिन जिन भी मैंने एप्लीकेशन को हाइड किया वो देखिए यहाँ से गायब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर वीडाईक्यू था वो हट गया, यहाँ पर देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन थे वो भी जगह जगह से हट चुके हैं। तो अब इन्हें यहाँ पर देखिए लॉक तो लगा ही है, अब इन्हें हम एक्सेस कैसे करेंगे अगर हम हाइड करेंगे? तो देखिए डायलर में जाना है, और डायलर में जाने के बाद आपको जो वहाँ पर कोड था वही यहाँ पर आपको डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था हैच 1234, और फिर आपको हैच कर देना है, बस एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसे प्ले भी कर सकते हैं, इसे चला भी सकते हैं, जिस तरीके से चाहे आपने जैसे नॉर्मल मोबाइल में चलाते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर इसे चला भी सकते हैं, उसे खेल भी सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। और जब आपको चाहिए तो यहाँ से सिंपली आप बैक करके स्किप करके आ सकते हैं, और इस तरीके से इसे लॉगआउट हटा भी सकते हैं, कुछ भी ज़रूरत नहीं। सो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं और उसे छिपा सकते हैं। अगर आपको अनलॉक करना है तो वही सेम सेटिंग है, वहीं से जाके आप इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।